नमस्कार मित्रों, भुवन को इंसाफ दिलाने की एक और कड़ी में आपका स्वागत है। उत्तराखंड के लोगों के साथ हम भुवन को इंसाफ दिलाने की लगातार जंग लड़ रहे हैं और आज हम आपको बताने जा रहे हैं वो 11 दरिंदे कौन थे, वो 11 मॉब लिंचर्स कौन थे जिन्होंने भुवन को पीट पीट के मार दिया और जिनके ऊपर अब कानून की हथकड़ियाँ लग चुकी हैं, जो जेल में चक्की पीस रहे हैं। उन 11 लोगों पर हमने एक विशेष रिपोर्ट तैयार की है। आइए सबसे पहले उस विशेष रिपोर्ट को देखते हैं, फिर इस पर चर्चा करते हैं। इंसानियत को शर्मसार कर देने वाले ये 11 हत्यारे अब पुलिस की गिरफ्त में है। जिन लोगों ने भुवन को पीट पीट करके मार डाला वो अब कानून की गिरफ्त में है। वो लोग पश्चाताप कर रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, लेकिन कानून अब उन्हें छोड़ने की गिरफ्त में नहीं है, न कानून उन्हें छोड़ने वाला है। कानून की धज्जियां उड़ाने वाले इन 11 लोगों के बारे में आज राष्ट्रनीति आपको बताएगा, जिन्होंने वायरल वीडियो में देखते देखते भुवन की हत्या कर दी, बेल्टों से पीटा, इतनी निर्ममता से पीटा कि भुवन इस दुनिया से अलविदा हो गया। सबसे पहले ये आपको हम दिखाते हैं कि वायरल वीडियो में अलग अलग जगहों पे उनकी क्लिपें ली गई हैं, जहां पर ये सभी लोग भुवन के साथ मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहली तस्वीर में आप देखिए शिवदत्त, जो कि लड़की के पिता थे और दया किशन पूर्व ग्राम प्रधान थे। बताया जा रहा है कि ये सबसे मुख्य आरोपी हैं और इन्होंने ही भुवन को सजा दिलाने में या भुवन को मारने में अहम भूमिका निभाई थी। इसके बाद हरीश पांडे, नरसिंह पांडे, ये लोग और एक और हरीश पांडे, इन लोगों ने भी काफ़ी क्रूरता दिखाई और अब ये कानून की गिरफ्त में हैं। इन लोगों ने भी क्रूरता के साथ भुवन पर प्रहार किए थे। इसके अलावा पूरन चंद, दीवान सिंह और बसंत बल्लभ, इन लोगों को भी दया नहीं आई, इनका दिल नहीं पसीजा और ताबड़तोड़ भुवन पर ये प्रहार करते गए। महेश पांडे पे तो पुलिस का ऐसा खौफ चढ़ा कि उसने खुद ही आत्मसमर्पण कर दिया। और इसके अलावा कई बच्चे भी आपको उसमें सुनाई दे रहे हैं, उनका नाम और तस्वीरें तो यहाँ पर हम नहीं बता सकते, लेकिन दो नाबालिग जिन लोगों ने भी सारी सीमाएं पार कर थी क्रूरता की, नाम के तो ये नाबालिग थे, लेकिन इन लोगों ने भी भुवन को मारने में अपनी अहम भूमिका अदा की थी। अब सभी 11 के 11 लोग कानून की गिरफ्त में हैं और कानून अब इनसे चक्की पिसवा रहा है, आगे भी ये चक्की पीसेंगे। अब देश के लोग इनकी दशा को देख रहे हैं और ये सब लोग इनसे सीख रहे हैं कि कानून अगर हाथ में लिया, अगर कानून को अपने हाथों की कठपुतली बनाया तो खुद कानून की बेड़ियां आपके हाथों में लग जाएंगी। न्यूज डेस्क राष्ट्रनीति के लिए। तो आपने देखा कि आप लोगों की उठाई हुई आवाज के कारण भुवन की हत्या करने वाले 11 लोग आज सलाखों के पीछे हैं। इनके ऊपर आईपीसी का सेक्शन 147, 149 और 304 के तहत अलग अलग लोगों पे अलग अलग धाराओं में केस दर्ज किया गया है, जिसमें 2 से लेकर 10 साल तक के सजाओं के प्रावधान हैं। जिन लोगों ने कानून को अपने हाथ में लिया, आज कानून ने उन्हें अपने गिरफ्त में लिया है, ये सभी लोगों के लिए एक सख्त संदेश है। और आप जैसी ऊर्जावान जनता की ये एक महानतम जीत है, जिसने पूरी सोशल मीडिया पर कैंपेन चला करके भुवन की जंग को उत्तराखंड की जंग बना दिया, देश की जंग बना दिया। और भुवन का इंसाफ अब दूर नहीं होगा, इन पर कानूनी कार्रवाइयाँ होंगी, अदालतों के चक्कर लगेंगे और ये अदालतों से दोषी साबित होंगे और सजा काटेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहे राष्ट्रनीति।